Yes, she has conceived. Thank you, doctor. Thank you so much. 2 months, 10 days. आपको कैसे क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर. बस भगवान ने थोड़े दिन का गैप लिया था, यही सोचना. डॉक्टर, आप मुझे मेरी वाइफ की केयर कैसे करनी है? हमारी माँ को नहीं पता है क्या? मैं कोई नया थोड़े ना बताऊंगी. एज ए डॉक्टर मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि समझ नहीं आएगा. इसलिए पहले इस खुशखबरी को घर में बताइए. ओके, मुझसे ज्यादा घर में मम्मी पापा बहुत खुश होंगे. तो फिर पहले उन्हें फोन करके बताइए. जरूर डॉक्टर. ए विजय, इधर आ. तेरे भैया का फोन आया था. तेरी भाभी माँ बनने वाली है. मैं दादी बनने वाली हूँ. ये लो मिठाई खा लो. तू चाचा बनने वाला है. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. अरे आना अंदर, आ जा. विजय. हाँ विजय. पुलिस ऑफिसर सही सस्पेंस. घर में कितना हंगामा हो रहा है पता है? इतने सालों बाद आप दोनों को मम्मी पापा पुकारने वाला एक बच्चा और मुझे चाचा, इसमें हमारी खुशी तो है ही, लेकिन आप और भैया खुश हो वो हमारी सबसे बड़ी खुशी है. ए, इधर दो. क्या बे, भाभी को बहुत डायलॉग मार रहा है. ए, इतने साल जो तूने डायलॉग मारे उससे तो कम है. अरे बापरे, तुझसे तो बात करना ही ना. ओके ओके, अब ट्रीट कहाँ देनी है उसका प्लान करो. एंड वंस अगेन माय हार्टली विशेस टू बोथ ऑफ यू. थैंक्स यार, बाय बाय. जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा. आखिर आप चाहते क्या है? केस के सिलसिले में मिलना था. मैं नहीं मिल सकती. ओके, तो फिर देख लो. मुझे तुम्हें नहीं देखना. उस दिन की तरह मेरे घर के बाहर खड़े हो क्या? लेकिन मैं वहाँ हूँ ही नहीं. अब बताओ कैसे देखूँ तुम्हें? उस घर के सामने खड़ा रहूंगा तो कैसे देखोगी? लेकिन अशोक नगर मैजेस्टिक फ्लैट नंबर 15 सेकंड फ्लोर की बालकनी से देखोगी तो मैं दिख जाऊंगा. हाय. अब आप घर पे रहो या बाहर? फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है. अभी फोन क्यों किया है? केस के सिलसिले में. क्यों, मैंने वो खून किया है? नहीं, लेकिन खून की प्लानिंग करके दी इसलिए. पुलिस ऑफिसर होकर ऐसे फ्लर्ट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? फ्लर्ट? डेली उठते ही एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीने की फीलिंग या वर्कआउट के बाद रिलैक्स वाली फीलिंग, तुमसे बात करके ऐसा ही फील होता है. एंड तक आपसे ये केस सॉल्व नहीं होना चाहिए. एक छोटा सा भी क्लू नहीं मिलना चाहिए. ये मेरा श्राप है. छोटे क्लू की जरूरत नहीं है, एक बड़ा क्लू ही मिल जाए. जैसिका की है, ये कंफर्म हुआ? सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक तो बॉडी जैसिका की ही लग रही है.
पोस्टमार्टम यही चल रहा है ना? यस सर, बॉडी बहुत डिकम्पोज हो गई है, इसीलिए मौके पर ही पोस्टमार्टम करने के लिए कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है। गाड़ी में जो भी चीज है मिस किए बिना कलेक्ट कर लो। ओके सर। उनके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया? अभी अभी इन्फॉर्म किया था सर, लेकिन तब तक सारे चैनल्स वाले आ गए सर। पोस्टमार्टम कहाँ चल रहा है? सर, किसी ने इसकी बॉडी को काटा तो नहीं है, लेकिन इतने दिनों से पड़े पड़े बॉडी सड़ गई है सर। बॉडी को धूप भी नहीं लगी है सर, खाली कुत्तों ने नोचा है सर। बस 10 मिनट, सारा सच सामने आ जाएगा, फिर मैं आपको फुल डिटेल्स देता हूँ। ओके, आई बी अराउंड। जेसिका मिलेगी तो फादर की मौत का पता चलेगा, ऐसा सोचा था। अब वो खुद ही नहीं है, कन्फेशन देने वाला फादर भी जिंदा नहीं है, और क्षमा मांगने वाली जेसिका भी जिंदा नहीं है। तो फिर वो गलती आखिर क्या होगी? फादर और जीसस के अलावा ये बात किसी और को भी पता है। एक्सक्यूज मी सर, फिजिकल वाउंड कॉज ऑफ डेथ देखेंगे तो उल्टे हाथ की कलाई पर कटने का निशान है, ब्लड पूरी तरह से ड्राई होने की वजह से मौत हुई है सर। एंड वन मोर थिंग सर, शी वॉज प्रेग्नेंट, उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा था। टाइम देख रहे हो ना, क्या हो गया ना? सर, मिनिस्टर साहब का फोन है। हाँ नेता जी, ऐसी कोई देरी नहीं हुई है, आप अपने टाइम से आराम से आ जाइए। आप और भाभी जी आकर बेटी को हल्दी लगाएंगे तो ही फंक्शन पूरा होगा ना। मंत्री जी कब आ रहे हैं? कितना लेट हो गया है? बस 10 मिनट में आ जाएंगे, तुम अपना काम करते रहो। ठीक है, जल्दी करो। खुशी वाले दिन भी इतना मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? मैं नहीं कर सकती माँ। क्या नहीं कर सकती? गलत है ना माँ? तूने जानबूझ के थोड़े ना किया था, अब आंसू बहाने के बजाय चेहरे को थोड़ा हंसता हुआ रख। माँ, मैं थोड़ा वॉशरूम होके आऊँ क्या? मुंह धोकर जल्दी वापस आना, मंत्री जी के आने का टाइम हो गया है। जाओ जल्दी जाओ। तुम खुश हो ना? सब आपका आशीर्वाद है। पोता नहीं है कहकर परेशान थे ना, अब तो राजनीति में अगले बारिश ने कदम भी रख दिया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे सुरेश। हाँ नेताजी। फंक्शन खत्म हो गया या अभी शुरू होने वाला है? बस अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो लड़की कहाँ है? हाँ पापा। ए, विद्या किधर है? बाथरूम गई हुई है, जाकर देखो उसे। हाँ, देखता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आ गई, वो गाड़ी पर बैठ गई है। गाड़ी
गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है वो। ब्लैक कलर स्कॉर्पियो TN09F8479। इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए, क्विक। थैंक्स। किस लिए? गाड़ी उठाने के लिए या तुम्हारी चेन बचाने के लिए? वो मेरी चेन छीनने नहीं आए थे, शायद मेरा खून करने आए थे। हाँ, हो सकता है। उस दिन चर्च में फादर का मर्डर करने वालों ने अगर तुम्हें सच में देखा होगा तो वो तुम्हें मारने जरूर आएंगे। Will you please stop this? हाँ, यही समझ लो कि मैंने देखा था, पर क्या कर लोगे तुम? हाँ, जब से तुमने ये इंक्वायरी नाम से टॉर्चर करना शुरू किया है तभी से ये सब हो रहा है मेरे साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे फॉलो करना बंद करो प्लीज। जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। That's my duty. आप तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर मेरे ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने माँ बाप की देखभाल करनी है मुझे, उनके लिए मुझे जिंदा रहना है। समझने की कोशिश कीजिए। डोंट टेक माई लाइफ इन टू एनी रिस्क। Thank you.